हाय एवरीवन, दोस्तों वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सुशील टुडू ऑफिशियल। दोस्तों आज के वीडियो में बात करने वाले हैं कि वैक्सीन सर्टिफिकेट डाउनलोड कैसे करें। जी हाँ दोस्तों, अगर यदि आप वैक्सीन ले चुके हैं तो आपके पास वैक्सीन सर्टिफिकेट होना बहुत ही ज़रूरी है। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में आप लोगों को मैं बताने वाला हूँ कि वैक्सीन सर्टिफिकेट डाउनलोड कैसे करें। दोस्तों मैं पहले ही बता दूँ कि आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि दोस्तों जब आप YouTube पर सर्च करते हैं कि वैक्सीन सर्टिफिकेट डाउनलोड कैसे करें तो YouTube पे वीडियो बहुत सारे आपको मिल जाएंगे, हज़ारों नहीं बल्कि लाखों में आपको वीडियो मिल जाएंगे कि वैक्सीन सर्टिफिकेट डाउनलोड कैसे करें। और उस वीडियो में बताया जाता है कि इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए, उस एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए और उसके सहारे से आप अपना वैक्सीन सर्टिफिकेट को डाउनलोड कीजिए। जी हाँ दोस्तों, और मैं आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि विदाउट एप्लीकेशन डाउनलोड किए डायरेक्टली और इजीली ओनली 2 मिनट्स में आप अपना वैक्सीन सर्टिफिकेट को डाउनलोड कर पाएंगे। तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो को करते हैं शुरुआत। तो दोस्तों सबसे पहले आप अपना मोबाइल के होम स्क्रीन पर चले जाइए, जैसे कि मैं अभी मैं चलता हूँ। तो दोस्तों मैं अपना मोबाइल के होम स्क्रीन पर आ चुका हूँ। जैसे कि दोस्तों आप वैक्सीन लगवाते समय जिस मोबाइल नंबर आपने दिए थे उस मोबाइल नंबर पर एक मैसेज आया होगा। तो जैसे कि मैं अपना मैसेज को चेक करता हूँ। मैसेज चेक करने के बाद दोस्तों जैसे कि मैं यहाँ पर बहुत सारा मैसेज आया हुआ है, तो यहाँ आपके मैसेज पर कोविन नाम से एक मैसेज भी आया होगा, तो मैं देखता हूँ। तो दोस्तों आज ही मैसेज आया है 27 मई 2021 में 2:52 में। तो सक्सेसफुली बीन वैक्सीन बता रहा है, तो जो मैंने वैक्सीन लिया था वो सक्सेसफुली हो चुका है। तो यहाँ से मैं अपना वैक्सीन सर्टिफिकेट को कैसे डाउनलोड करें, तो उसके लिए यहाँ पर https://covid.gov.in पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद दोस्तों आप किसी भी ब्राउज़र को ओपन कर लीजिए, क्रोम ब्राउज़र या बिटमैप। तो मैं क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद दोस्तों डायरेक्ट आप क्लिक कीजिए रजिस्टर साइन इन योर सेल्फ। इसमें जब आप क्लिक करेंगे तो आपको इस तरह का इंटरफेस आपको दिखाई देगा, और यहाँ पर आपको डालना है इंटर योर मोबाइल नंबर। मोबाइल नंबर जैसे कि मैं अपना टाइप कर देता हूँ। इसके बाद गेट ओटीपी पे करेंगे, उसके बाद ओटीपी मैसेज में आया है तो मैं इसको चेक कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मैं ओटीपी डाल लेता हूँ। ओटीपी डालने के बाद वेरीफाई एंड प्रोसेस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करते हैं इस तरह का इंटरफेस आपको दिखाई देगा, और सीधे आपको क्लिक करना है सर्टिफिकेट पर। यहाँ पर ऑप्शन दिया है, उसमें क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कैंसिल एंड डाउनलोड। तो डाउनलोड पर आप क्लिक करेंगे और यह पीडीएफ में डाउनलोड हो जाएगा। तो डाउनलोड में क्लिक करने के बाद यह डाउनलोड हो चुका है। तो चलिए मैं अपना फाइल पर चेक करता हूँ। तो जैसे कि दोस्तों जब आप पीडीएफ कुछ भी डाउनलोड करते हैं तो आप किस फाइल पर वो पीडीएफ डाउनलोड हो जाता है वो आपको पता होना चाहिए। तो जैसे कि मेरा फाइल मैनेजर पर ही डाउनलोड हो जाता है, तो मैं यहाँ पर ओपन करता हूँ। इसको ओपन करने के बाद जैसे यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं सर्टिफिकेट पीडीएफ पर क्लिक करेंगे। तो दोस्तों इस तरह से मेरा पीडीएफ डाउनलोड हो चुका है, आप लोग देख सकते हैं ये मेरा वैक्सीन सर्टिफिकेट है। और दोस्तों इसको आप आसानी से प्रिंट आउट भी कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर यदि किसी को आपको ज़रूरत है कि मैं इसको प्रिंट आउट करवा लूँ, तो आप लोग इसको आसानी से प्रिंट आउट भी कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह से आप बहुत ही इजीली आप अपने मोबाइल फ़ोन से वैक्सीन सर्टिफिकेट को डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा? अगर यदि अच्छा लगा है तो एक लाइक कर देना, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और कमेंट में ज़रूर बताना कि आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। अगर यदि इस वीडियो को देखने के बाद आपको लगता है कि इस वीडियो से किसी एक इंसान की भी हेल्प हो सकती है, तो इस वीडियो को आप लोग उन तक जरूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय जवाहर, जय झारखंड।